दोनों किस्म का पानी है, ग्रीन पानी और रेड पानी बनकर तैयार है। अब इसके अंदर एक चम्मच चाट मसाला ऐड करती हूँ। इस तरीके से देखें पूरियों को सिर्फ सारी की सारी ढोल की तरह बनकर तैयार है। मैंने सारे को अच्छे तरीके से जो है ना वो ग्राइंड करके इस बाउल में डाल लिया। अब पानी लिया थोड़ा सा, उसमें हाथ गीला करके इसकी थोड़ी सी मिकदार लेके इस तरीके से आप देखें किस तरीके से सिर्फ चिल्ला के रहा है, इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। 2 कप मास की दाल से ये मेरे सारे बल्ले बनकर तैयार है। मेरे सारे बल्ले तकरीबन बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये कैसे बनाते हैं तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पानी लिया, अब इसमें 2 कप जो है माश डाल के मैं धो देती हूँ। एक जग में मैंने पानी डाल के उसके अंदर मैंने 2 कप जो है ना ये वाले भर के माश डाल जो है ना वो भुगो के रख दिया। इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भुगो के रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको पीसती हूँ। मैं इनको लेके तो मैं इनको काटती हूँ, अच्छे तरीके से धो के काटती हूँ। कुछ आलू जो है ना वो मैंने उबलने के लिए, इस तरीके से मैं सारी अपने फ्रिज को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बना के तो इसके अंदर एक ही दफ़ा फ्रीज़ कर लूँगी। अभी नीचे वाले में कैपेसिटी है तो इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना वो स्टोर करने के लिए, जैसे समोसा पट्टी रखी हुई है, समोसे बना के और रोल बना के और ब्रेड पॉकेट्स बना के, तो वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी इसके अंदर मैं रख लूँगी। गाजरें और ये पालक है, इसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ करके तो इसको भी सेव करके रख लेती हूँ। गाजरों को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया इनकी, इस तरीके से अच्छे से छोटे छोटे से मैं क्यूब्स की शक्ल में काट लूँगी। अगर मुझे सब्ज़ी भी बनानी पड़ी तो मैं सब्ज़ी भी इसको मिक्स सब्जी वेज में डाल सकती हूँ, और इसके अलावा अगर स्विस रोल वगैरह बनाने हैं तो उसमें भी ये अच्छे से आसानी के साथ जो है ना वो गल भी जाएंगे तो ये अच्छे भी लगेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे काटती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इक्वल साइज़ में मेरी जो है ना वो क्यूब्स बनकर गाजर के तैयार हो गए। आप इनको अच्छे तरीके से धो के और थोड़ा सा इनको ड्राई करके जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से गाजरों को मैंने जिप लॉक बैग में बंद कर लिया, अब मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और अब मैं पालक को काटती हूँ। आलू सारे पील ऑफ कर लिया मैंने, उनकी पील उतार के रख लिए। ये देखें इस तरीके से, अगर आपको स्लाइस पतले चाहिए तो आप आलू को जो है ना पतले वाले इस तरीके से चिप्स चाहिए तो आप एक आलू के जो है ना वो 6 हिस्से कर लें इस तरीके से लंबे लंबे और फिर उनको काटें। अगर आपको मोटे चाहिए इस तरीके से तो आप आलू के 4 हिस्से कर लें और उनको मोटा मोटा काट लें। ये सारे मैंने आलू काट लिए हैं। अब मैं इनको गर्म पानी करके थोड़ा सा गर्म पानी लेके और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भगोती हूँ, फिर मैं उसको निकाल के ड्राई करके तो इनको सेव कर लूँगी। आलू को इस तरीके से पानी में डुबो के मैंने रख दी है। पालक सारी काट ली, अब इसको भी अच्छे तरीके से धो के, मोस्टली मैं ज़्यादातर जो है ना वो पालक को उबाल के रख लेती होती हूँ, लेकिन अब मैं इसी तरीके से इसको धो के अच्छे तरीके से ड्राई करके इसको फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं इसको निकाल के पका सकूँ। इस तरह शेल्फ पर मैंने एक किचन टावल जो है ना वो बिछा लिया है, इसके ऊपर मैं जो है ना वो सारे आलू जो है ना वो इस तरीके से डाल देती हूँ और दूसरा किचन टावल लेके उसको ऊपर से मसलते हुए इसको ड्राई कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं उसके ऊपर दूसरा टावल जो है ना वो इस तरह देती हूँ और इसको इस तरह मसलते हुए इनको मैं सबको ड्राई कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। वही बर्तन जिसके अंदर मैंने जो आलू जो है ना वो भगो के रखे हुए थे उसको मैंने अच्छे तरीके से टिश्यू के साथ जो है ना वो ड्राई कर लिया है। अब मैं आलुओं को ड्राई करके इसके अंदर डालती जाती हूँ। ये देखिए आलुओं को मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिए हैं, अच्छे तरीके से इनको मैंने ड्राई करके तो इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है ना तकरीबन 1 कप जो है ना वो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है ना ऐड करके तो इन सब के ऊपर लगा दूंगी। चम्मच जो है ना वो 2 भर के मैं इसके अंदर जो है ना वो इस तरीके से डाल देती हूँ। ये देखें इनको अच्छे तरीके से मसलते हुए मैंने सबके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा लिया। अब मैं इनको फ्रीज कर देती हूँ। मैं थोड़ा वो थोड़े से इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा मैं फेंट लूँगी, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठा हुआ वो भी अच्छे तरीके से इनको लग जाएगा आलुओं को। ये देखें सारे आलू जो है ना वो इस तरीके से मैंने 2 ज़िप लॉक बैग में एक बड़ा बैग तैयार कर लिया, एक छोटा तैयार कर लिया। अब मैं इनको फ्रीज कर देती हूँ। मेरी पालक भी जो है ना वो मैंने इसको काट के अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। अब मैं इसको जिप लॉक बैग में डालती हूँ और दिखाती हूँ। और ये पालक भी इस तरीके से मैंने दोनों शॉपर्स में एक छोटा बनाया है और एक बड़ा बनाया है, दोनों को मैं रख देती हूँ। आज मैं ये तीनों आलू पालक और गाजरें
इनको सेव किया है, इनको मैंने हाफ हाफ कर लिया। अब मैं इनका इसका जूस का निकाल लेती हूँ। इसके अंदर छोटी कढ़ाई लेके उसके अंदर मैंने इतना ऑयल डाल दिया है। ये मैंने लेमन पानी निकाल लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना, ये मेरी चटनी बननी पड़ी है इमली की, इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जूस इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। और इसके अंदर जो है ना वो मैं गिलास भर के जो है ना वो पानी का ऐड कर देती हूँ। फिर इन चटनी के जो मैं क्यूब्स बना के रखे हुए वो एक डाल देती हूँ। मेरा ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं पूरियाँ डालती हूँ इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं काला नमक ऐड करती हूँ। इसी तरह इस चटनी के अंदर भी थोड़ा सा काला नमक ऐड करती हूँ। पीने वाला पानी मेरा बन गया और ये मेरा जो है ना वो इमली वाला पानी बन गया। तो अब मैं इनके अंदर सिर्फ चाट मसाला जो है ना वो एक एक चम्मच डालूंगी। और इधर मेरे जो है ना वो पहले गोलगप्पे जो है ना वो बनकर तैयार हो। अब इस इमली के अंदर मैं हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दी। ये दोनों किस्म का पानी है, ग्रीन पानी और रेड पानी बनकर तैयार है। एक बड़े बाउल में मैं चार आलू के लेके ना मीडियम साइज के उसको रफली साइज तरीके से तोड़ लेती हूँ। इसके अंदर मैं चनों का ऐड कर देती हूँ, उबले हुए चने हैं मेरे पास। अब इसके अंदर एक चम्मच चाट मसाला ऐड करती हूँ। इस तरीके से देखें पूरियों को सिर्फ डालना, ये बनी बनाई मार्केट से मिल रही है। और सारी की सारी ढोल की तरह बनकर तैयार है। इसके अंदर हाफ चम्मच काला नमक और दो सब्ज मिर्चें मैंने बहुत बारीक बारीक काट ली हैं। और ये प्याज इसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छे तरीके से मसलते हुए इसका बना लेती हूँ। गोल गप्पे, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी और फिलिंग बनकर तैयार है। ये देखें दाल जो है ना वो सारी मैंने अच्छे तरीके से धो ली है। 5 घंटे हो गए इसको भुगो के रखे हुए। माश की दाल है तो अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। इस तरह मैंने चॉपर में डाल लिया है। अब मैं इसको मैंने सारे को अच्छे तरीके से जो है ना वो ग्राइंड करके इस बाउल में डाल लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से ऐसे ऐसे करके ना इसके अंदर से जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्लफी सा नरम सा बना लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको बनाती हूँ। भले ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैं स्टिक की मदद से देखती हूँ ऑयल कितना गर्म हुआ है कि नहीं। मेरा आप देख रहे हैं कि बबलिंग हो रही है। मैंने बांध लिया है थोड़ा सा, उसमें हाथ गीला करके इसकी थोड़ी सी मकदार लेके इस तरीके से इसको जो है ना वो डालती जाऊंगी। किस तरीके से सारे फूलते हुए ऊपर आ गए। अब मैं इनको एक एक करके हिलाती जाऊंगी, थोड़ा इसका कलर चेंज होने का, फिर इसको पकाऊंगी। सारे ऊपर आयल के फिर हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जितनी दफ़ा भी बनाए हैं मेरे से कभी भी इनके अंदर जो है ना वो गुठली नहीं रही। का लाख शुक्र है कि आज तक मेरे से बनी नहीं है। हमेशा से बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनाए हैं। चाहे वो मूंग दाल और माश दाल के बनाए हैं या सिर्फ माश दाल ही के बनाए हैं, तब भी मेरे से बड़े जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे बल्ले जो है ना तकरीबन बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको जो है ना दो एक दफ़ा बस इस तक पलटूंगी और उसके बाद फिर मैं इनको निकाल दूंगी। इस तरीके से मैं सारे बनाती जाऊंगी। और इसके अंदर ठंडे होने के लिए रखती जाऊंगी। पानी के साथ इस तरह हाथ गीला करूंगी और इसको
इस तरह उंगलियों के मदद से इसको उसकी थोड़ी सी शक्ल बनाते हुए इनको डालती जाऊँगी। आप देखें किस तरीके से क्रिस्प लग रहा है, ये आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। मैं इनको निकालती जाती हूँ। दो कप माश की दाल से ये मेरे सारे बल्ले बनकर तैयार है। लास्ट फूड जो है ना वो मेरा अंदर है, उसको मैं थोड़ा सा और डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन कलर उसका गोल्डन सा, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जो है ना वो बहुत पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर। सारे दही बल्ले बनकर तैयार हैं, अब इनको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको जिप लॉक बैग में सेव करके फ्रीज कर लूँगी। सारे मेरे बल्ले बनकर तैयार हो गया, ठंडे भी हो गया। अब मैं इनको जिप लॉक बैग में डाल के इस तरीके से फ्रीज़र में रख दूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।